हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इन दिस वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा सरोजनी हॉल वीडियो। यू नो रिसेंटली मैं अभी दिल्ली गई थी, तो वहाँ पे सरोजनी एक मार्केट है जहाँ से मैंने अंडर 200 काफी सारी चीजें परचेस करी है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, जिससे आप लोगों को हेल्प हो सके। जब भी आप दिल्ली जाए तो सरोजनी मार्केट जाना ना भूले। तो गाइज चलिए मेरे वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइस वीडियो में जाने से पहले मैं आप लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि गाइस आप लोगों ने जो है मेरी बहुत हेल्प करी है। यू नो आप मेरी वीडियो वॉच करते हो, उसको शेयर करते हो, तो मुझे काफी हेल्प हुई है। तो और आप लोगों को भी काफी हेल्प हुई है मेरे रिव्यू से लेके, तो मुझे काफी अच्छा लगा। इसलिए मैं दिल से आप लोगों का थैंक्स बोलना चाहती हूँ। गाइस मुझे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप डे बाई डे पहुंचा रहे हो, तो काफी अच्छी चीज है। तो गाइस बिना देरी करे हुए मेरे वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं कि मैंने कौन सी चीजें जो है अंडर 200 परचेस करी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक शर्ट दिखाने जा रही हूँ। यू नो ये लॉन्ग शर्ट है। मैं जो भी चीज आपको दिखा रही हूँ मैं आपको वो पहन के भी दिखाऊंगी, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो ये एक लॉन्ग शर्ट है, ब्लैक कलर की है। इस पे ये स्ट्रिप टाइप ये लाइंस बोल सकते हैं। इसका मटेरियल काफी अच्छा है और इसका प्राइस तो आप सुन के सोचोगे कि क्या प्राइस है। इसका प्राइस है 150 रुपीज़, काफ़ी अफोर्डेबल है। और इसका जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा है। तो आप इस तरह की 200-150 के अंदर ही वहाँ पे रेट चलती है। मैं आप लोगों को टिप बताना चाहूँगी कि जब भी आप सरोजनी जाए या जनपद दिल्ली के कोई भी मार्केट में जाए, वो आपको जो भी प्राइस बताएं उसका जस्ट हाफ, और हाफ से भी नीचे अगर आप बार्गेनिंग कर सको तो काफ़ी अच्छी बात है। आपको हाफ ही प्राइस देना है। और जो टैग लगे होते हैं सेल अंडर 200-100 रुपीज़, तो वो जो प्राइस है वो कभी कम नहीं होंगे, वो फिक्स है तो फिक्स रहेंगे। लेकिन जो टैग नहीं लगे हुए हैं और वो डायरेक्टली आपको बोलते हैं 400-500, तो आपको बार्गेनिंग करके उसको जस्ट हाफ रेट पे लेके आना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जब भी आप अंडर 200 या 100 कोई भी चीज परचेस करें तो उसे अच्छे से देख कर परचेस करें, क्योंकि उसमें कभी कभी मटेरियल या क्लोथ के अंदर मिस्टेक भी रह जाती है, वो फटा हुआ निकल जाता है। तो ये टिप जो है आप हमेशा ध्यान रखना परचेस करने के लिए। तो ये मुझे काफी अच्छी शर्ट लगी है, इसका प्राइस काफी अच्छा है, मटेरियल काफी अच्छा, और पहनने के बाद में बहुत सुंदर दिखती है। मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी। नेक्स्ट जो मैंने परचेस करी है वो एक वन पीस जिस पर लिखा हुआ है न्यू लुक। तो ये वन पीस जो है रेड कलर का, इस पर व्हाइट कलर के फ्लावर बने हुए हैं, और ये मुझे मिला है 100 रुपीज़ के अंदर। ये पहनने के बाद अगेन बहुत अच्छा लगता है, तो काफ़ी अच्छी डील में मैंने ये परचेस किया है। और मैं इसके साथ भी आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मंडे जो है सरोजनी आधा क्लोज रहता है, बट जो स्ट्रीट शॉप है वो खुली रहती है और जो शोरूम्स है वो बंद रहते हैं। और आप सैटरडे संडे के दिन जाओगे तो वहाँ पे बहुत बहुत रश रहता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सैटरडे संडे आप मॉर्निंग में जाया करो, तो आपको इजीली मिल जाएगा। अराउंड 10:30 मार्केट ओपन होना स्टार्ट करता है और आफ्टर 11:30 वहाँ पे बहुत रश हो जाता है। तो मेक श्योर आप 10:30 के बाद ही जाए और वहाँ पे परचेस कर लो, तो इजीली आप परचेस कर सकते हो। इवनिंग टाइम में तो बहुत मतलब दिखेगा ही नहीं आपको मार्केट पूरा, तो ये चीज भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो मैंने परचेस किया वो अगेन एक वन पीस है जो कि फुल हाई नेक है और इस पर इस टाइप की लाइंस है। ये मैंने 200 रुपीज़ में परचेस किया है। ये स्किन टच वन पीस बोल सकते हैं। ये पहनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, तो मैं आपको इसको भी पहन के दिखाऊंगी। ये जो मैंने 100-150 लिया है, ये ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ था 100-200, मैंने कोई बार्गेनिंग नहीं करवाई इसके अंदर। बट हाँ एक दो चीज़ों के अंदर मैंने जब पूछा था तो हाफ रेट मैंने बोली थी, वो देने के लिए भी तैयार हो गए थे, बट मुझे जो कलर चाहिए था वो नहीं था तो मैंने नहीं परचेस किया। तो ये अगेन मुझे 200 के अंदर मिला है, जो कि बहुत अच्छी डील है। नेक्स्ट जो मैंने परचेस करी एक लॉन्ग स्कर्ट जो कि बहुत ट्रेंडी है अभी, और ये इस टाइप से लेसेस के साथ में आती है, आप इसको टाइट कर सकते हैं। इसका मटेरियल जो है प्योर कॉटन है, बहुत सुंदर है। इसमें शाइनिंग में भी मिल रही थी अगर आप पार्टी वेयर लुक के लिए रेडी करना चाहते हो, बट मैंने यहाँ पे कॉटन की परचेस करी है। इसका प्राइस जो है वो 200 रुपीज़ है, बहुत अगेन बहुत अच्छी डील है। तो आप लोग भी इस तरह की शॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने परचेस किया है वो एक पैंट है, आप इसको पैंट बोल सकते हैं, या फिर आप इसको जिम जाते हो तो जो मतलब टाइट्स आते हैं वो बोल सकते हैं आप इसको, आप जिम के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर जो है ना ये इस टाइप का ऊनी मटेरियल है, तो काफ़ी गर्म रहता है विंटर्स के अंदर। यू नो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे विंटर्स नहीं है, तो अभी विंटर्स जहाँ नॉर्थ साइड में आ चुके हैं, तो आप इस तरह की पैंट वहाँ पे परचेस कर सकते हो। और इसका जो प्राइस है वो 200 रुपीज़ है।
जो कि बहुत अच्छी डील है। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूंगी कि विंटर जैसे ही स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पे विंटर्स का जो स्टफ है वो ज्यादा मिलेगा आप लोगों को, आपको समर की क्लोथ नहीं मिल पाएंगे। तो जब मैं वहाँ घूम रही थी तो मुझे सारा विंटर का सामान दिख रहा था और मुझे विंटर के क्लोथ्स नहीं लेने थे, तो मैंने वहाँ पे जो जो मुझे दिखा समर जैसा वो मैंने परचेस कर लिया। और विंटर्स के लिए भी मैं आपको बताऊंगी स्वेटर्स कोट अंडर 280 रुपीज से स्टार्ट होते, 200 के अंदर आपको काफी अच्छे मतलब प्रोडक्ट मतलब मटेरियल और क्लॉथ्स आपको मिल जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि रफ है, आप वहाँ पे देख कर लोगे तो आपको एकदम न्यूली भी मिल जाएंगे। डेनिम जैकेट्स, डेनिम जीन्स काफी 80 रुपीज से लेकर 200 में काफी अच्छे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो मैंने परचेस किया है वो एक चोकर टाइप नेकलेस है, आप देख सकते हो इस टाइप से दिखता है, ये भी बहुत ज्यादा ट्रेंडी है। और इसमें मैंने बार्गेनिंग कराई थी, आंटी ने मुझे इसके अंदर 250 रुपीज़ बताया था बट मैंने इसको बार्गेनिंग करके 100 रुपीज़ में लिया है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मुझे काफ़ी अच्छी डील लगी क्योंकि मैंने इस टाइप का जो अमेजोन पे मिंत्रा पे देखा था, नो डाउट वो ब्रांडेड थे बट अमेजोन का मुझे कोई ब्रांडेड नहीं लगा था, उसका प्राइस 350 से लेके 400 अप्रॉक्स में जो मिल रहा था, बट ये मैंने वहाँ से लिया है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, 100 रुपीज़ के अंदर बहुत अच्छी डील हो गई है। और नेक्स्ट जो मैंने इयरिंग परचेस करे हैं वो आप देख सकते हैं, मैंने पैन रखे हैं वहाँ पे, जितनी भी इयरिंग्स है गाइस 50 रुपीज में इजीली मिलते हैं। और ये सब इयरिंग्स अगर आप देखोगे अमेजोन मिंत्रा पे तो आपको 200-500 के अप्रॉक्स आपको मिलेंगे, ट्रस्ट मी मैंने खुद ने परचेस किया, आप मेरा इयरिंग हॉल वीडियो देख सकते हो, ये मुझे 50 रुपीज के अंदर मिला है जो कि बहुत अच्छी डील है। नेक्स्ट मैंने सेपरेटली एक इयरिंग परचेस किए हैं जो आई थिंक मेरे चोकर के साथ में मैच हो जाएंगे, ये मैंने अगेन 50 रुपीज में परचेस किए हैं जो कि बहुत अच्छी डील है। मैं इसे अपनी कोई पिंक ड्रेस के साथ में पहनने वाली हूँ और आप लोगों को जब पहनूंगी तो जरूर उसका एक वीडियो बनाऊंगी, तो मुझे काफी अच्छे लगे ये इयरिंग्स। नेक्स्ट जो मैंने परचेस किया है वो ये बैंगल्स हैं, बहुत ही अच्छे ब्रॉन्ज गोल्डन बैंगल्स हैं, ये आप किसी भी फंक्शन में पहनो तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये बैंगल्स मैंने 100 रुपीज़ में परचेस किए हैं गाइस, आपने मेरे तीज मेकअप वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें जो मैंने बैंगल्स पहने थे वो 350-400 के आसपास थे, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी डील मिल गई। वहाँ पे सारे बैंगल्स की कोई भी आप अच्छे से अच्छा बैंगल्स लो 100 रुपीज़ ही रेट होती है, उससे कम भी नहीं होता है तो उससे ज़्यादा भी नहीं होता है, तो मेक श्योर आप ध्यान रखना कि 100 रुपीज़ के अंदर जो है बैंगल्स मिलते हैं। नेक्स्ट जो मैंने परचेस किए हैं वो है सॉक्स, मैंने 100 रुपीज़ के अंदर 6 पेयर जो है सॉक्स परचेस किए हैं, आप देख सकते हैं जिसमें 3 जो है वो शॉर्ट वाले हैं जो लाइक फिंगर्स को कवर करते हैं इस टाइप के हैं 3, तो एक मैंने पहन लिया है इसलिए यहाँ पे मैं आपको 2 पेयर दिखा रही हूँ। और 3 जो मैंने परचेस किए हैं वो एंकल तक के हैं, 3 कलर्स आप देख सकते हो, वहाँ पे आप कलर चूज कर सकते हो, वहाँ पे जो सॉक्स की प्राइस चल रही वो 100 रुपीज के अंदर 3 मिलते हैं बट गाइस मैंने बार्गेनिंग करके 100 के अंदर 6 लिए हैं, तो इजीली वो बार्गेनिंग कर लेते हैं। अगर आप जल्दी जाते हो ना तो सॉक्स वगैरह तो ऐसे लेके घूमते हैं तो अच्छे से बार्गेनिंग करके आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ में गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर आप सोच रहे हैं कि हम सरोजनी कैसे जाएं, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि जो भी आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है जहाँ पे भी आप हो वहाँ से आप नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन से आप INR चले जाइए, वहाँ पे आप INR से जैसे ही बाहर निकलेंगे आपको ऑटो मिलेंगे, तो 10 रुपीज के अंदर आप शेयरिंग वाले ऑटो में जा सकते हो। अगर आप ऑटो से नहीं जाना चाहो तो वहाँ सरोजनी मार्केट तक भी मेट्रो जाती है, INR आपको उतरना है उसके बाद में INR से ही आपको सरोजनी मार्केट की जो है मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी, वैसे भी आप जा सकते हो तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे जाना चाहते हो। तो गाइज ये था मेरा वीडियो।
अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि लोगों को आइडिया हो सके कि दिल्ली में सरोजनी जनपद में भी नहीं मिले, बट सरोजनी में इस तरह की जो शॉपिंग है आप कर सकते हो 100-200। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइस, बाय बाय।